अच्छा तो आप ये आप इंडिया जाना चाहते हो? हाँ जाने चाहता हूँ पर जा नहीं सकता मैं। जब आप नाम सुनते हो इंडिया तो आपके मन में क्या सवाल पैदा होता है, आपके दिल में क्या चीज सबसे पहले पैदा आती है इंडिया के बारे में? सबसे पहले ये दिल में यही आता है कि कौन सा दिन आएगा जब हम इंडिया में जाएंगे, अच्छा उधर हम अपनी रिहाइश करेंगे। अच्छा आई लव इंडिया। अच्छा और इंडिया जाने क्यों दिल करता है इसकी भी एक वजह है। कभी सोचा आपके दिमाग में ये ख्याल आया दिल में यार हमें इंडिया चले जाना चाहिए? ये तो ख्वाब ही बन के रह गया भाई। ख्वाब है आपको बता देगा, ख्वाब है इंडिया जाने का, लेकिन इतना पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, पासपोर्ट वगैरह पर ABCDEFGH आदमी बापों को घर घर पे बिठा के खाऊं मैं आप काम करूं। वाह बाप, बाप आप उधर का देंगे इंडिया जाओ के इंडिया जाए इंडिया जाए। मैं हमने खाना खा लिया फिर मतलब बोलते कि इसको दोबारा धोकर रखो। अच्छा वो हाथ भी नहीं लगाते हैं? हां बस हां जब पैसा लेते हैं बड़े प्यार से भी पूरे पैसे दे दस भी कम बताना। अच्छा मुझे इस बात ये समझ आती है क्या जब हम उनके बर्तन को हाथ लगाते हैं तो वो बोलते हैं कि आराम हो गए हैं। आराम हो जब हम उनसे हाथ से हाथ मिलाते हैं तो क्या उनका हाथ आराम नहीं होता? क्या उनका पूरा बदन आराम नहीं होता? पैसे तो वो इस्तेमाल करते हैं वो नहीं होता। अच्छा वो पैसा हलाल का हो गया। अच्छा। जब उनसे हाथ मिलाते हैं तो वो उनका हाथ आराम नहीं हो गया? हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब, मेरा नाम है मोहित माथुर और जर्नी टू अखंड भारत यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज जो वीडियो के बारे में हम बात करने वाले वो है पाकिस्तान में जो हिंदू लोग रहते हैं उनसे आज हम रिव्यू लेने वाले हैं कि पाकिस्तान में रहकर उन्हें कैसा लगता है और वो हिंदुस्तान आने के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो आज की वीडियो मजेदार नहीं थोड़ी इमोशन वाली होने वाली है, तो चलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। क्या नाम है ब्रो आपका? मेरा नाम मनोवर जी है। मनोवर जी, अच्छा मनोवर भाई सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब आप नाम सुनते हो इंडिया तो आपके मन में क्या सवाल पैदा होता है, आपके दिल में क्या चीज़ सबसे पहले पैदा आती है इंडिया के बारे में? सबसे पहले ये दिल में यही आता है कि कौन सा दिन आएगा जब हम इंडिया में जाएंगे, अच्छा उधर हम अपनी रिहाइश करेंगे। अच्छा आई लव इंडिया। अच्छा और इंडिया जाने क्यों दिल करता है इसकी भी एक वजह है। अच्छा क्या वजह? आप इंडिया क्यों जाना चाहते हो? इधर क्या आपको खाना नहीं मिलता है, क्या वजह? सब कुछ खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है, बस इंडिया जाना चाहते हो? हाँ जी जाना चाहता हूँ, वहाँ पर बहुत अच्छी जगह है वो। अच्छा वो लोग कह रहे हैं कि आप आओ जल्दी से इंडिया, हम आपको स्कूल अच्छा स्कूल देंगे, अच्छा घर होगा आपके पास। जाने की तो बहुत चाहत है पर क्या करें, वहाँ पर बहुत पैसे लगते हैं, यहाँ पर इतनी अमीरी है कि गरीबी जाने आपके पढ़ने के ऊपर है? हम गरीब लोग हैं काम करके। अच्छा पर मेरी एक ख्वाब है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, यहाँ पर तो बन नहीं सकता कि वहाँ पर बहुत ही अच्छी जिंदगी है। अच्छा। और वहाँ पर जाकर अच्छी लड़की शादी कर अच्छा। अपना घर बसाऊंगा और अच्छा। अमीर बनना चाहता हूँ। अच्छा और क्या क्या करना चाहते हैं भाई आप? वहाँ पर जाकर एक अमीर जैसा बन, एक आदमी बनकर बड़ा आदमी बनना चाहते हैं? बड़ा आदमी बनना चाहते हैं कि आपके पास पैसा हो, घर हो, हाँ एक ब्लैक गाड़ी हो। हाँ जी कौन सी गाड़ी? फॉर्च्यूनर गाड़ी हो और हाथ में वो फॉर्च्यूनर पता है सेब वाला मोबाइल चाहते कौन सा? सेब वाला इधर तो खाने को नहीं मिला सेब और अभी तो भाई अभी तो खाने को नहीं मिला, लेकिन भाइयों का ख्वाब है कि हम इंडिया जाकर ये करेंगे, इनके ख्वाब जाना चाहते हैं ये, लेकिन वहाँ पर ख्वाब ये पूरा होगा कि इंडिया में जाकर सेब वाला मोबाइल होगा, फॉर्च्यूनर गाड़ी होगी ब्लैक कलर की और बड़े आदमी होंगे। मेरा भी यही ख्वाब है, गाड़ी हो चल जाएगी। अच्छा एक बगल में खूबसूरत हाथ में हाथ डाल कर लड़की हो और दूसरे हाथ में आईफोन वाला मोबाइल हो, एक पग भी हो। अच्छा ये इनका ड्रीम है जी। और इनके ये बसुम से चेहरे देख सकते हो आप लोग, छोटे छोटे से चेहरे लेकर बड़े बड़े ख्वाब है, छोटे छोटे खाली खाली जेब है, छोटे छोटे चेहरे। ये देखो मेरी बहुत जेब खाली है, बहुत गरीब है। हमारे पाकिस्तानी हिंदुओं का फ्यूचर ये है, हमारे पाकिस्तानी हिंदुओं का फ्यूचर यार देख सकते हो। ये सबसे ज्यादा जो मुझे जो दिल में जो ठेस पहुंचती है वो ये वजह है कि जब हम
जब हम खाना खाने जाते हैं होटल पर, क्योंकि मैं भी एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ठीक है, मैट्रिक मैंने की हुई है। अच्छा, जब हम खाना खाने जाते हैं होटल पर या किसी यार दोस्त के साथ, तो जब हम उधर जाते हैं, अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़, बिरयानी खानी है, पानी पीना है, पानी पीना है, आम भी, हाँ, मुझे ना बिरयानी का बहुत शौक है। अच्छा, बिरयानी, हाँ, आई लव बिरयानी, ठीक है। तो जाते हैं तो हाँ भी बिरयानी कितने की भी 100 रुपये की, 150 की, हाँ भी, तो भी देख बिरयानी, तो वो कहता है कि बर्तन वो नीचे पड़े हुए हैं। अच्छा, जब हम बर्तन देखते हैं तो उसके ऊपर ठेले के नीचे छुपा कर रखे होता है, हाँ, ठेले के नीचे। अच्छा, बस एक बात ये है कि उसके ऊपर मक्खियाँ बैठी होती हैं, जो बैठी होती है, हाँ, जो गंद खराब बात उसके ऊपर पड़ा होता है, ठीक है। तो अच्छा, फिर हमको वो खुद धोना पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, चलो धोने का मुश्किल नहीं, ठीक, धो लिया, फिर जब बाद में हम वो डाल के देते हैं, अच्छा, बाद में हमने खाना खा लिया, फिर मतलब बोलते हैं कि इसको दोबारा धो कर रखो। अच्छा, वो हाथ भी नहीं लगाते हैं? हाँ, बस, हाँ, जब पैसा लेते हैं बड़े प्यार से भी, हाँ, पूरे पैसे दे, 10 रुपये भी कम मत देना। अच्छा, मुझे इस बात ये समझ आती है, क्या जब हम उनके बर्तन को हाथ लगाते हैं तो वो बोलते हैं कि आराम हो गए हैं, आराम हो, जब हम उनसे हाथ से हाथ मिलाते हैं तो क्या उनका हाथ आराम नहीं होता, क्या उनका पूरा बदन आराम नहीं होता? पैसे तो वो इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं होता। अच्छा, वो पैसा हलाल का हो गया। अच्छा, जब उनसे हाथ मिलाते हैं तो वो उनका हाथ आराम नहीं हो गया, फिर तो उनका पूरा बदन आराम हो गया। अच्छा, फिर उसको क्या करना चाहिए? एक और सवाल है मेरे ध्यान में, मतलब कि हमारे ज्यादातर इधर हिंदू सब्जियों का काम करते हैं, सब्जी तोड़ते हैं, उगाते हैं, और यानी कि फसल गेहूँ यानी गंदम हम खुद हाथों से लोड करते हैं, वही तो ये खाते हैं, वो धरा नहीं होती, उनको तो हम अपने हाथों से तोड़ते हैं। सही बात है, बस इंडिया से सब जाना के लिए यही है, मेरी ख्वाहिश है कि अभी उधर से गाड़ी चल कर आ जाए और बैठे। और अच्छा, सबसे पहला आदमी मैं ही हूँ जो डब्बे के अंदर बैठा हूँ। अच्छा, सबसे पहला मैं डबूंगा, हाँ, ठीक है, बस मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे उधर जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा जाएंगे पढ़ेंगे, बस मैं ये चाहता हूँ कि जो हम भी गुजारे, हमारे बच्चे ना गुजारे, हम जो, अच्छा ठीक है, जो हम गुजारे हैं उम्र बच्चे, हमारे बच्चे जाएंगे उधर थाट से होटल पर बैठेंगे, कम करेंगे, ये लेकर दो वो लेकर देगा, ठीक है, इधर बहुत मुश्किल है, ठीक। अच्छा भाई, आप मुझे ये बताओ, आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप अगर आप इंडिया जाओ और आपको एक अच्छा स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए एक स्कूल मिल जाए, अच्छा घर रहने के लिए मिले, और जो आप ये जिंदगी जी रहे हो इससे भी अच्छी जिंदगी मिले, तो आप इंडिया जाना चाहते हो? हाँ जी, चाहते हो, दिल करता है कि कभी सोचा है आपने कि यार मैं काश इंडिया चला जाऊँ? हाँ जी। अच्छा, तो यार बहुत सारे भाई है जो कहते हैं कि यार आप इंडिया जाना चाहते हैं, मजबूरी है, अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि पैसे इतने नहीं है कि पासपोर्ट वगैरह बना कर जाए। अच्छा तो भाई, आप मुझे ये बताओ, कभी सोचा आपके दिमाग में ये ख्याल आया था कि यार हमें इंडिया चले जाना चाहिए? ये तो ख्वाब ही बन के रह गया भाई। ख्वाब है आपको जाने का? ख्वाब है इंडिया जाने का, लेकिन इतना पैसा नहीं है। हाँ। पैसा नहीं है। हाँ, पासपोर्ट वगैरह बनाने पे पैसा काफी खर्चा होता है, खर्चा होता है। हमारा तो खाने का पूरा जो है खर्च पूरा नहीं होता, हम इंडिया किधर जाएंगे? अच्छा, तो अगर या अगर आप इंडिया चले जाते हो वहाँ पर एक दिन छुट्टी हो जाती है तो वो घर का खर्च नहीं चलता है, यानी कि जो इंडिया के लोग हैं ना वो कहते हैं कि आप इंडिया आ जाओ तो यहाँ पर अच्छी से जिंदगी गुजार सकते, यानी कि बच्चे भी पढ़ लिखेंगे और यानी कि वहाँ पर मजदूरी भी ज़्यादा मिलती है और खर्चा बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ से आधो आज यानी कि महंगाई वहाँ पर थोड़ी है, यहाँ पर महंगाई ज़्यादा, वहाँ पर हर चीज़ सस्ती मिलती है। भगवान ने कभी हमें मौका दिया तो ज़रूर जाएंगे। तो दो लोग ये बैठा, ये दोनों आप दोनों भाई हैं ना? क्या नाम है आपका? मुन्ना जी। अच्छा मुन्ना जी, ये पहले भी आप हमारे वीडियो में आ चुके हो, तो आप कितने भाई हो तकरीबन? हम हैं 9 भाई। 9 भाई और बहनें? 2। अच्छा, तो आपका जो पिताजी है वो क्या काम कर रहा है? वो कुछ नहीं करता है, बूढ़ा हो चुका है। हाँ, वो बूढ़ा हो चुका है अब वो। अच्छा, उसे हमने बिठा दिया है, अब आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, तो भाई आप लोग कहते हो ना भाई कि आप लोग जितनी हो सकते पाकिस्तान में आबादी बढ़ाओ, तो ये देख लो भाई इस तरह के भाई है जो कि ये 9 भाई है, अभी बड़े बड़े आप हो ना, क्या आपसे बड़े भी कुछ है? ये है बड़ा। अच्छा, बड़ा ये है? हाँ, सबसे बड़ा ये है। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम वकास। वकास है। हाँ, तो आप मुझे बहुत सारे लोग कहते पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करो, तो ये देख लो भाई 9, इसी तरीके से अगर हम पैदा करते रहे तो पूरे पाकिस्तान में छा जाएंगे। मुझे ये बताओ कि आप इंडिया के हवाले की क्या करना चाहते, कभी आपको जाने का मौका मिला तो आप इंडिया जाना चाहोगे? हाँ जी, हम जाना चाहेंगे, हम जरूर जाएंगे। अच्छा, तो अभी यानी कि वीजा ओपन हो रहा है, यानी कि वीजे खुल रहे हैं, पासपोर्ट जो कापियाँ होती है ना वो बन रही है, तो आप लोग क्या इरादा रखते हो अगर इंडिया वाले आपको आने दें और आपको यानी कि वहाँ की आईडी कार्ड शनाख्ती कार्ड वगैरह बनाकर देंगे, आपको रहायशी बना दें, घर भी अच्छा देंगे? तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ना पाकिस्तानी जो भील है हमारे हिंदू
उनको इंडिया भेजो, हम पूरे घर देंगे अच्छा रहने के लिए देंगे, तो आप क्या कहना चाहते हो? आप आओगे जाओगे उधर? हाँ जरूर जाएंगे हम। अच्छा तो ये देख लो भाई, आप लोग कहते हो कि आप आओ, तो मैंने इन भाइयों से पूछा तो ये आना चाहते हैं लेकिन अभी मजबूरी है क्योंकि ऑफिस वगैरह बंद है। आप इंडिया जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं इंडिया। हाँ जी। अच्छा तो ये बहुत अच्छा बच्चा है, थोड़ा बोला है बेचारा। ये भी इंडिया जाना चाहते हैं, जाते हो ना? हम इसके भाई हैं। अच्छा आप भी भाई हो, आप काम भी करते हो? चांद। आप तो भाई 16वीं के चांद हो। और क्या करते हो, स्कूल पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में?